नमस्कार दोस्तों, एक और महिला साथी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए जान लेते हैं उनके क्या विचार हैं इस कैंप के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूरो इंसान। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से आप हैं। आपने ये एक मेडिकल स्टाफ ऑन ड्यूटी का पहना हुआ है कार्ड, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की ड्यूटी आप कर रही हैं? असि मरीजों सेवा कर रहे हैं, मरीजों सामना पानी पिलाना, बाथरूम कराना, लैटरिन लगाना, खाना खिलाना, कपड़ा लीड़ा देना, सामना बच्चा मांगो साम कर रहे हैं उन्होंने। आप बच्चों की तरह जो यहाँ मरीज आए हैं उनकी साथ संभाल कर रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या मिलता है? मिलदियाँ ने खुशियाँ नहीं मिलदियाँ ने, जो थोड़ी देर ना आइए डेरे बस बेचैनी ला जाती है, कद भाग जाइए, इन खुशियाँ मिलदियाँ ने। बच्चे कहते हैं बस बीबी चल डेरे भाग जा सेवा करके आ, बहुत खुशियाँ मिलदियाँ ने सारे बच्चे। इनके चेहरे की स्माइल हमें बता रही है कि कितना खुशी मिलती है इन्हें यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आकर। आप थोड़ा सा हमें और बताइए कि इस मेडिकल कैंप में जो मरीज आते हैं किस तरह उनका इलाज किया जाता है या कितना एक खर्चा उनका आता है यहाँ चेकअप कराने का? इलाज है ना बढ़िया, प्यार ना इलाज करते हैं डॉक्टर भी, इन्हें प्यार ना इलाज करते हैं, है ना बढ़िया, बच्चा मांगो जमी संभाल करते हैं। खर्चा लिया जाता है यानी यहाँ जो मरीज? अच्छा, खर्चा तो फ्री होता है, खर्चा तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, खाने पीने का कुछ भी नहीं लिया जाता? कुछ भी नहीं ना, बढ़िया दिन देने खाना भी सारा, ब्रेड दलिया सारी चीज बढ़िया दिन देने मरीजों। टाइम टू टाइम ये लोग मरीजों की सेवा करते हैं, उनको खाने का क्या चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं और वो भी बिना पैसे के। दोस्तों ये सच में इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है जो डेरा सच्चा सौदा सामने आ रहा है। 27 सालों से ये लोग आँखों का कैंप लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो डेरा के कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डेरा के कैंप की जो बातें हैं इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दोस्तों जो आपने हमारी वीडियो को देखा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। शब्बा खैर।